वेलकम बैक टू मम्मास वर्कियन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड लाइक तो जरूर कर देना। हम लोग आके इधर पहुंच चुके हैं जुफर हाइट में। जुफर हाइट में सोनी मेरी फ्रेंड वो रहती है। यहाँ पर एक अच्छा सा प्ले एरिया है, इसलिए हम लोग कियान को लेके यहाँ पर थोड़ा आगे कियान को एंगेज करने के लिए। खुशी के साथ भी कियान बहुत खुश रहता है। पूरा लॉकडाउन पे कियान घर पे रहता था तो वो इतना पार्क नहीं जाता था। वो पुली कियान एंड खुशी उधर खेल रहे हैं पार्क में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वॉक के लिए आ गई। तो यू कैन सी बैक साइड व्यू ऑफ जुपिटर हाइट्स। एक्चुअली बहरीन पे जितना भी बिल्डिंग है ना, सबसे अच्छा मुझे ये वाली बिल्डिंग लग रहा है। इधर मैं भी आई थी देखने के लिए, पर मेरा क्राइटेरिया थोड़ा अलग सा था। खुशी ओके, हम लोग घर चेंज किए थे जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी वहाँ, तो उस टाइम पे मैं ढूंढने आई थी घर, तो इधर भी आई थी देखने के लिए। ये इसका ना जो बाहर का एरिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन मुझे थोड़ा घर के अंदर ना थोड़ा स्पेस चाहिए था, तो उस टाइप का घर मैं जाऊँ वो मुझे मिला। पर ये वाली घर मुझे बहुत पसंद आई थी, एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। एक्चुअली ये लोग क्या है कि 5th फ्लोर में ये लोग पूरा पार्क, स्विमिंग पूल एंड वॉक के लिए ट्रैक ये सब डेवलप किए हैं, जो कि मेन अट्रैक्शन है ये वाली बिल्डिंग का। वेट, आपको मैं बैक कैमरा में इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ। एंड ये दिखता है कुछ इस तरह, ये पार्क एरिया पूरा चिल्ड्रंस प्ले एरिया ऐसा है। यहाँ पर क्या कितना रेट है सब मुझे पूछते रहते हैं इंडिया पे। तो रेंट पे अगर आए तो वो कोई फिक्स रेंट नहीं है, 1 BHK एंड 2 BHK का अलग अलग रेंट होता है, एंड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मतलब आप, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एरिया पे रहते हो। तो जुफेर एरिया थोड़ा हाईली कॉस्ट रहता है यूजुअली एज कम्पेयर टू अदर एरिया। एंड और एक क्राइटेरिया है कि कहाँ पे आपका लोकेशन है घर का, मतलब NH के साइड पे है कि थोड़ा अंदर है, वैसा भी डिपेंड करता है घर नया है या पुराना है। कभी कभी आपको 1 BHK रेट में 2 BHK भी मिल जाएगा, एंड कभी कभी मतलब वो 1 BHK का घर भी 2 BHK से ज़्यादा प्राइस आता है, वैसा है। एंड अनदर क्राइटेरिया है कि फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। यहाँ पर फर्निश्ड घर भी बहुत है, जो लोग कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कम टाइम के लिए, जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, मतलब 1-2 ईयर के लिए आते हो और फर्नीचर पूरा लेके इधर कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए फर्निश घर भी इधर मिलता है, तो फर्निश घर ज़्यादा फायदा रहता है। तो हम लोग तो फर्निश घर पे रहते हैं, सोनी भी फर्निश घर, ये पूरा जुफर हाइट पूरा फर्निश एरिया है। मेरी घर भी फुल फर्निश है, कोई कोई जगह पे अनफर्निश घर भी मिलता है। एंड खाली घर कोर हाउस आप लोग ले सकते हो एंड उसको डेवलप भी कर सकते हो। कोर हाउस अगर आप लेते हो तो उसको उसका आपको कम पे करना पड़ता है, मतलब थोड़ा कम प्राइस में वो आ जाएगा कोर हाउस, एंड आप सब उस पर डालोगे अपना चॉइस का फर्नीचर। एंड हम लोग जो रहते हैं ऑलरेडी फुल फर्निश हाउस है वो सब, क्योंकि हम लोग का कोई ठिकाना नहीं हम लोग कितना दिन रहेंगे, प्रोजेक्ट कितना दिन चलेगा, इसलिए हम लोग फर्निश हाउस ले लिए। कोर हाउस एरिया हम लोग जहाँ रहते हैं वो मिनिमम इंडियन करेंसी के हिसाब से 200-250 BD मतलब बहरीन दिनार उसके अंदर आता है। वो इंडिया के हिसाब से आप लोग देखोगे तो 50,000, उसके नीचे आप लोग को घर नहीं मिलेगा। आई थिंक कोई कोई जगह मिल जाता है, थोड़ा सा वो अंदर रहता है, सिर्फ से थोड़ा दूर रहेगा तो और थोड़ा कम में शायद मिल सकता है, पर क्राउडेड एरिया एंड सिटी पे आप लोग नहीं मिलेगा। एंड फर्निश हाउस जो है 70-80,000 इंडियन करेंसी, उससे कम में आपको नहीं मिलेगा, एंड उससे इंक्रीज होता है, उससे ऊपर ही मिलेगा आपको, उसके नीचे नहीं मिल सकता है। देखुचे लोक सब अच्छान। You love that swing? Kian? Kian? Where is Khushi Didi? पहले तो ऐसे होता था कि इंडिया पे मुझे रेंट पूछते थे और मैं जब बताती थी लोग बोलते थे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली रियल फैक्ट दिस इज। एक्चुअली इससे ये तो सबसे कम है, नहीं तो उससे ज़्यादा भी 80-85,000-90,000 के ऊपर एंड 1 लाख के ऊपर भी घर आता है, एंड उससे ज़्यादा भी 2 BHK का लगता है, कभी कभी 1 BHK भी उस वही वाली कॉस्ट में आ जाती है।
एंड एक ये फायदा है कि यहाँ का जितना सब कंपनी है वो लोग रेंट इतना हो रहा है करके वो लोग रेंट किसी किसी को मिल जाता है रेंट का जितना प्राइस है और किसी किसी को इंक्लूड होता है सैलरी पे, ऐसा होता है। आप लोग सब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताए थे कि आपको कियान को देखना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश की हूँ कि कियान का एक्टिविटी आज मैं पूरा दिखाऊँ आपको। काठी काठी पे घोड़ा कुना, व्हाट इज दैट कुन्या? होपफुली कियान फर्स्ट टाइम स्विंग पे बैठ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डर ना जाए। खुशी दीदी, खुशी दीदी, ये देखिए कियान कैसे देख रहा है दूसरे बच्चों को। उसको हम पूरा घर पर रखते थे इसलिए उसको सब नया नया लग रहा है। कियान अपुल रंजन कियान हाय खुशी दीदी कौन है ना गुड बॉय गुड गर्ल कियान एंड खुशी का बीच में 7-8 महीने का ही डिफरेंस होगा, तो कियान थोड़ा सा फॉलो करता है खुशी को। नाइस। एंड ये जिम एरिया है जुफेर हेड्स का, जो कि सारा इक्विपमेंट ये लोग रखे हैं इसके अंदर। मैं पहले बाबा को इसलिए कवर की हूँ ताकि साईं बाबा का ब्लेसिंग आप सबको मिल सके। सोनी बाबा को बहुत बिलीव करती है एंड आजकल मैं भी करती हूँ सब। एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ गॉड इज वन, बट सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है पूजा करने की। क्या बना रही है? चिल्ली दूबी, फिश फ्राई, चिकन। मेरे घर पे जब आई थी सोनी, मैं एक ही चीज से काम चलाई थी और इसको देखो पूरा पार्टी उस टाइप का बनाई है सारा कुछ। और यहाँ पर है कीवी लेमन जूस। ये चिकन नकेट बनके रेडी हो चुका है। एंड चलिए उधर देखते हैं बच्चों का क्या शैतानी चल रहा है यहाँ।
कौन Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Who say you like nugget? I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Hey, gilly gilly, what are you doing? Trying to protect your soul. एंड ये देखिए आज का मेन अट्रैक्शन ये है सोनी की विंडो से बाहर इनका पूरा व्यू। आज सोनी 25th फ्लोर में रहती है तो पूरा दिखता है बाहर उसके विंडो से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Kian, why are you throwing everything? Kian? Kian, how was the food? Gudu, how was the food? This time it's good. Food is prepared by Sony, but the idea, basic idea, is by Sony. So I'm the initiator. Where is Khushi Didi, Kian? 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 Mama, dekho, Kian, mama? मोबाइल के पीछे पड़ा है पापा का। कियान बैक टू होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, एंड आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। कियान का टीथिंग का प्रोसेस चालू है, तो आजकल जो भी दिखता है काटने की कोशिश करता है, चाहे वो हाथ हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, सब कुछ लेके मुंह पे डालता है एंड काटता रहता है सब कुछ। नो गंदू दैट इज नो व्हाई आर यू बाथिंग डोंट डू दिस दिस पापा पापा फिंगर नॉट पापुल फिंगर दिस इज पापा फिंगर पापुल नो नो कौन गोच तू कौन काय उबुच पापा को व्हाई यू टेकिंग पापा फिंगर नो यू टेक योर फिंगर यू टेक